जाएंगे। मेन 10th और 12th इनका बोर्ड बढ़िया एक्टिविटी होती है और बहुत सारी उनके पढ़ाइयों से स्कूल सबसे अधिक इफेक्ट हुआ है COVID-19 के अंदर। वैसे तो सारे के सारे बिजनेस, सारे के सारे व्यापारी, सारे के सारे उसमें प्रभावित हुए हैं, चाहे वो बिजनेस वर्ग हो, चाहे वो सर्विस क्लास वर्ग हो, एक्सपर्ट कोई सा भी हो। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर किसी ने किसी को इफेक्ट किया है वो अपना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आज आपको हम बता दें जिस तरह से COVID-19 का असर पूरे देश में पूरे विश्व में हो रहा है उसी को चलते बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उसको सरकार द्वारा स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने 15 अक्टूबर से उत्तराखंड में स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित की है, जिसे लेकर आइए जानते हैं क्या बोले स्कूल संचालक। सबसे पहले तो मुद्दा यही है, जैसे कि आपको सभी को अवगत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एक स्कूल खोलने के लिए कहा गया है उसकी जो गाइडलाइन आएगी उसी के अनुसार स्कूल खुलेगा। और आपको पता है कि बच्चे अभी तक पूरे पिछले 6-7 महीने से घर पर ही रह करके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, स्कूल उसको विधिवत पूर्वक करा रहे थे, स्कूल के सभी टीचर उसमें पूरा सहयोग दे रहे थे। अब जैसे कि सभी चीज़ें खोल दी गई हैं, इंडिया में कोई भी चीज़ अब लॉक नहीं, सब अनलॉक हो गई है। अनलॉक 5 के अंतर्गत हमारे स्कूलों को, जिम को, सिनेमा हॉल्स को, सभी को खोला गया है। इसी के अंतर्गत 15 अक्टूबर से जो सेंटर ने स्टेट को आदेशित किया है कि 15 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को खोलने का अपने अपने स्टेट में आदेश दिया जाए, जैसी वहाँ की परिस्थिति हो स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है कि वहाँ की परिस्थिति के अनुसार उसको खोला जाए। स्कूल इसके लिए पूरी तरह तैयार है, स्कूल मैनेजमेंट इसके लिए पूरी तरह तैयार है और वो अपने आप को स्कूल को सैनिटाइज करा करके बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए जैसी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार स्कूल अपनी तरह पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। लेकिन कुछ अभिभावकों के मन में ये शंका भी है और ये शंका भी जायज है कि जब तक ये COVID-19 के प्रकोप चल रहा है इसमें बच्चों की सुरक्षा का भी कैसे रखा जाएगा। इसको भी देखते हुए स्कूल ने हर चीज़ का सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइज का अब प्रबंध किया है कि बच्चे सैनिटाइज अपने साथ लेकर आएँ, मास्क पहन करके आएँ और स्कूल के जो क्लासरूम है उसको भी टाइम पर सैनिटाइज किया जाए। अब इसमें कहीं कोई शंका या दुविधा नहीं है कि स्कूल को बंद रखा जाए। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर ज़्यादा दिन तक बंद रहेगा उसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर ही पड़ता है। अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, एजुकेशन होती है क्लास में बैठ करके, ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, सभी टीचर अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी उसको सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक टीचिंग फार्मूला होता है, जो टीचिंग पढ़ाने का तरीका होता है, वो एक क्लास रूम में ही जा करके सक्सेस पूरा हो पाता है। इसी को सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे और भी अपने मेम्बर्स हैं, उन्होंने फाइनल किया है कि स्कूल को खोला जाए। स्कूल को बंद करके या किसी तरह से अब इसको आगे को चलाना मुश्किल हो रहा है और इसमें फीस का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद फीस हमारी किसी भी तरीके से पिछले 5-6 अगर महीने का चार्ट उठाया जाए, मुश्किल से मुश्किल 20-15% अभी तक हमारे पास फीस आई है। जो अभिभावक फीस दे सकते हैं वो भी नहीं दे रहे हैं और स्कूल के ऊपर सर जो चाहे उस गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है या अपने बिजनेस में है, लेकिन क्योंकि उनके उनका जो भी है संगठन, व्यापारी संगठन उनका वो खुला हुआ है, व्यापार खुला है, उनको अर्निंग हो रही है, उनको कमाई हो रही है, लेकिन फीस के ऊपर सभी अभिभावकों का यह मत है कि शायद गवर्नमेंट माफ़ कर देगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और अपना स्टेट गवर्नमेंट, उस स्टेट कोर्ट ने अपने नैनीताल हाई कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है, ट्यूशन फीस का वही सभी स्कूल ले रहे हैं। ट्यूशन फीस का सभी के लिए वो है, ट्यूशन फीस के लिए लेने के आदेश दी जा रही है, वो ट्यूशन फीस की हम डिमांड कर रहे हैं, ट्यूशन फीस ही दे रहे हैं के लिए कहा जा रहा है। ट्यूशन फीस कुछ जो अभिभावक दे रहे हैं केवल ट्यूशन फीस ही दे रहे हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी स्कूल नहीं लगा रहा है, ना ले रहा है और ना ही अभिभावक उसके लिए दे रहे हैं। प्रबंधक तंत्र कह लीजिए, हम लोग उस खर्च को बर्दाश्त कर रहे हैं, बहरहाल चाहे वो फीस आ रही नहीं आ रही है, पूरी तरह से फीस नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल मैनेजमेंट उसको बर्दाश्त कर रहा है, उन खर्च को पूरे कर रहा है। जहाँ तक ये बात है कि बच्चों को बुलाने की, आने की, देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश आए हैं वो अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट को आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने आगे वो हमारे शिक्षा मंत्री को फॉरवर्ड कर दिया, शिक्षा मंत्री ने आगे DM को कि हाँ मीटिंग की है। अभी उसमें क्या आता है, उस दिशा निर्देश का हम लोग पालन करेंगे, लेकिन अभिभावक
जहाँ तक अभिभावक की बात है, अभिभावक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी बच्चे को स्कूल भेजा जाए। उनकी बात अपनी जगह सही है, सबसे पहले उनके अपने बच्चे हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके अपने बच्चे हैं। कहते हैं कि भाई बच्चे हैं तो पढ़ाई भी अगले साल भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, ऑनलाइन भी चल रही है। यह है स्कूल अगर खुलते हैं तो विद्यालय की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैं नहीं समझता कि जितनी जिम्मेदारी बढ़ती है उस जिम्मेदारी को पूरी को निभाने के लिए किस तरह से स्कूल प्रबंधन तंत्र जो है वो तैयार रहेगा।